हेलो, आई एम परवेज खान फ्रॉम गोल्ड। मैं आपसे ये ज़ोरदार अपील करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी रोड है, इससे पहले भी मैं ये कहना चाहती हूँ, हम अभी छोटे हैं, हमें यहाँ से स्कूल पैदल जाना पड़ता है, हमारा रास्ता बहुत लॉन्ग है और यहाँ पे हमारी कोई रोड नहीं है। 70 साल पहले जो यहाँ पे हाल था, आज भी वही है। पहले लोग पैदल जाते थे, गाड़ियाँ नहीं थी, आजकल गाड़ियाँ हैं लेकिन रोड नहीं है, क्या फ़ायदा। मैं मोदी जी से अपील करती हूँ कि हमें हमारी रोड को ठीक किया जाए। 70 साल पहले जो इस रोड का हाल था, आज भी वही है, क्या फ़ायदा। हम अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे यहाँ से स्कूल जाएंगे, एक एक दो दो दिन। मेरा नाम फरा अदीब है और मैं गोल्ड की रेजिडेंट हूँ, मैं गोल्ड में रहती हूँ। और आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल कोई रोड नहीं है और हम आज मीडिया के माध्यम से इस रोड के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ से बिल्कुल, हमें यहाँ से मेंडर तक, ये एक गोल्ड एक विलेज है और यहाँ से मेंडर पहुँचने का, मेंडर मार्केट में या कोई भी कॉलेज स्कूल हमारे जितने भी हैं उन तक पहुँचने के लिए हमारे पास कोई रोड नहीं है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनको, चलो हम तो बड़े हैं, हम फिर जाएंगे, लेकिन ये कैसे जाएंगे, इनको 3-4 किलोमीटर सफ़र करके स्कूल तक पहुंचना पड़ता है, तो ये कैसे जाएंगे, और कोई ज़रिया ही नहीं है हमारे पास। तो मैं स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन से, ये जो रोड है ये मुस्तफ़ा नगर से सुइयाँ कट्ठा तक जा रही है और ये जो है बालाकोट को भी कनेक्ट कर रही है साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल और कोई रोड नहीं है, तो इसी रोड पे हमें, इस पे 2012 में पहले काम हुआ था, तो उसके बाद किसी ने इस पे कोई गौर ही नहीं किया है। तो आज तक ये जो हमारी रोड है, ये इसका कोई काम ही नहीं हुआ है। तो हाँ, बात रखी है हमने बहुत बार, लेकिन किसी ने इस पे गौर ही नहीं किया है, कोई मान ही नहीं रहा है हमारी बात को। आप देख सकते हैं, मैं आपकी थैंकफुल हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमारे इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। और ये आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkekhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।